नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनसा क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी अध्ययन करेंगे भूगोल शिक्षण के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर निर्धारित भूगोल की सामग्री और उसका शैक्षिक निहितार्थ। साथियों, इसके अंतर्गत हम आज अध्ययन करने वाले हैं कि भूगोल शिक्षण की कौन कौन सी सामग्रियाँ हैं और उनका शिक्षा की दृष्टि से क्या महत्व है, इसी की हमें जानकारी प्राप्त करना है आज की इस क्लास में। आज की यह क्लास हमारी दूसरी है। सबसे पहली क्लास में हमने आपको सिलेबस बताया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और आज यह दूसरी क्लास है, इसमें आपको हम भूगोल की सामग्रियाँ पढ़ाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे कि क्या है भूगोल की सामग्रियाँ। और क्लास शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि जितने लोग चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और उसके बाद अपने बाकी भी साथियों में हमारी क्लास को शेयर करें, ठीक, जिससे कि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे छात्रों में भूगोल के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान को अस्थायी बनाने हेतु अध्यापक को अनेक प्रकार के सामग्रियों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे ऐसा होता क्या है कि किसी चीज़ को अगर हम सिर्फ पढ़ेंगे ठीक है, तो हमें वह याद नहीं हो पाएगा। जैसे किसी छात्र को 10 बार रटवाने से अच्छा है कि चीनी मीठी होती है, 10 बार उसको हम याद करवाएंगे, उससे अच्छा है कि एक बार उसको चीनी हम खिला दें। अगर एक बार उसको हम चीनी खिला देंगे तो उसका जो स्वाद है वह उसको ज़िंदगी भर याद रहेगा, मरते दम तक याद रहेगा कि हाँ चीनी मीठी होती है, फिर उसको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। चूँकि जो चीज़ हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अध्ययन करते हैं, जितनी ज्ञानेंद्रियाँ हमारी ज़्यादा जागरूक रहेंगी उतना ही ज़्यादा हम अधिगम करते हैं, ठीक। तो यही कह रहा है कि छात्रों में भूगोल के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने के लिए, कि बच्चे भूगोल के अध्ययन में रुचि लें और उनके ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए अध्यापक अनेक प्रकार के सामग्री का प्रयोग करता है। अतः वे सामग्रियाँ जो अध्यापक की उद्देश्य पूर्ति में सहायक होती हैं, ठीक, यानी कि वे साधन जो कि अध्यापक के क्या हों, उद्देश्य की पूर्ति। अध्यापक का उद्देश्य है क्या? अध्यापक का उद्देश्य है कि जो भूगोल शिक्षण के अंतर्गत वह जो पाठ पढ़ा रहा है, वह जो ज्ञान प्रदान कर रहा है, बच्चे के दिमाग में अस्थायी रूप से बैठ जाए, उसको समझ में आ जाए, यह अध्यापक का उद्देश्य है। तो ये कह रहा है कि वे साधन, ठीक, यानी वे साधन जो अध्यापक के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाते हैं, ठीक। यानी कि शिक्षण प्रदान करने में जो सामग्रियां सहायता प्रदान करती हैं उनको हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, या इनको हम श्रव्य दृश्य सामग्री भी कहते हैं। देखिए, इनको श्रव्य दृश्य सामग्री क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं हम कि जो सामग्रियाँ अध्यापक प्रयोग करता है भूगोल शिक्षण के समय, वह या तो सुनाई देती हैं, या तो दिखाई देती हैं, या सुनाई और दिखाई दोनों देती हैं। इसीलिए कह रहा है कि इनको हम सर्वविदित सामग्री भी कहते हैं, ठीक। ये तो समझ में आ गया आपको। जैसे हमें पढ़ाना है पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी गोल है, ठीक, अध्यापक लिखा जाए पृथ्वी गोल है, अध्यापक बच्चा कहेगा सर कहाँ गोल है, हम यहाँ से घर जाते हैं, घर से नानी गाँव जाते हैं, नानी गाँव से वहाँ जाते हैं, वो तो पता लंबा है, चपटी है, गोल कहाँ है? तो आप उसको गोल समझाने के लिए एक ग्लोब लेकर के आएंगे, उसे बताएंगे कि देखो तुम यहाँ से चलना शुरू करोगे, यहाँ चलते 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 फिर तुम यहाँ पे फिर आ जाओगे, इसलिए दुनिया क्या है, गोल है। इसमें आप किसका प्रयोग करेंगे? आप ग्लोब का प्रयोग करेंगे। तो ग्लोब क्या हो गया? ग्लोब सहायक सामग्री हो गया, जिसकी सहायता से आपने समझाया है बालक को। यही कह रहा है भूगोल शिक्षण के अंतर्गत कि वे साधन जो कि अध्यापक के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो सहायक सामग्रियाँ हैं उनका वर्गीकरण, इनको वर्गीकरण अगर करने की बात करें हम, तो हम इंद्रियों के आधार पर, चूँकि आप जानते हैं कि हमारी इंद्रियाँ 5 होती हैं, ठीक, हमारे पास कितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, कि इंद्रियों के आधार पर या ज्ञानेंद्रियों के आधार पर आप कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे हम, सबसे पहला है श्रव्य सामग्री, यानी कि एक हमारी ज्ञानेंद्रिय कान है, ठीक, दृश्य सामग्री, एक हमारी ज्ञानेंद्रिय क्या है, आँख है, और एक शब्द दृश्य सामग्री यानी जो सुनाई भी दे और दिखाई भी, जिसमें हम कान का भी प्रयोग करें और आँख का भी प्रयोग करें, ऐसी सामग्री। वही बात बता रहा है कि श्रव्य सामग्री के अंतर्गत क्या आएगा। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत भूगोल शिक्षण में आपका रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, ठीक, दृश्य सामग्री के अंतर्गत श्यामपट्ट, चार्ट, चित्र,
प्रतिरूप, प्रतिरूप का मतलब है मॉडल, जो हम मॉडल बनाते हैं किसी चीज़ का। अक्सर आप फिल्मों में देखे होंगे तो कैदी क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं, जेल से भागने का नक्शा बनाते हैं, चोरी वोरी करने का चोर बनाता है नक्शा, ठीक है। इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। प्रतिरूप, बुलेटिन बोर्ड, स्लाइड्स, ग्राफ, ग्लोब, ये सभी क्या है, ये सभी आपके दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है श्रव्य दृश्य सामग्री, चूंकि ये सामग्रियों को हम रेडियो को सुन सकते हैं, ग्रामोफोन को सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर को हम सुन सकते हैं, इन सभी सामग्रियों को हम देख सकते हैं, लेकिन ये सामग्रियाँ ऐसी हैं जिनको कि हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। क्या क्या है? दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन, चलचित्र यानी कि सिनेमा और कंप्यूटर, ठीक। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं। इसी पर एक प्रश्न बनता है कि अध्यापक क्या है? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री। तो अध्यापक श्रव्य दृश्य सामग्री है, क्यों? क्योंकि अध्यापक की बातें सुनाई भी देती हैं और अध्यापक दिखाई भी देता है, इसलिए अध्यापक श्रव्य दृश्य सामग्री, ठीक है, समझ गए आप। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भूगोल की सामग्री का। इसके बाद हम आपको ये श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर की चर्चा हम करेंगे और इसके बाद हम सैंपल की थोड़ी चर्चा करेंगे ऐसी क्लास में, ठीक है, इनका शैक्षिक महत्व हम आपको बताएंगे। तो इसकी सर इसका आप ले लीजिए ताकि आप अपना नोट्स बना सकें। और आप जो पूछते हैं कि सर पीडीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि पीडीएफ नहीं मिलेगा। कारण, पीडीएफ मिलने से बच्चे आलसी हो जाते हैं, आपके अंदर आलस की भावना आती है कि चलो प्रिंट करा के पढ़ लेंगे, आप अपने नोट्स स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है। और ऐसे आप यहाँ पर पढ़ करके अपने नोट्स खुद बनाएंगे तो आप दोबारा अधिगम कर सकेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा नोट्स बनाएंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो सकेंगी, ठीक है। तो आप इसके साथ इसका ले लीजिए, मैं किनारे हट जाता हूँ, ठीक है, इसके साथ हो गया होगा। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। देखेंगे अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे श्रव्य सामग्री, ठीक है। श्रव्य सामग्री में जैसा कि आप सभी ने देखा था कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, यह तीन थे, ठीक। तो रेडियो के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि रेडियो के माध्यम से बच्चों को अध्ययन कराया जाता है। और कहेंगे तो रेडियो क्या योगदान है भूगोल शिक्षण में, तो भूगोल शिक्षण में योगदान यह है कि रेडियो के माध्यम से हमें विभिन्न सूचनाएं प्राप्त होती हैं पृथ्वी के बारे में कि यहाँ पर भूस्खलन हो गया है, ठीक है। रेडियो से समाचार प्राप्त होते हैं जो पृथ्वी में विभिन्न घटनाएं घट रही हैं, जलवायु परिवर्तन संबंधित कहीं सुनामी आ जा रही है, ठीक है, कहीं पर बाढ़ आ गई है, कहीं पर भूस्खलन हो गया है, ठीक, कहीं पर बर्फबारी हो रही है और कहीं पर वनों का कटाई हो रहा है, कहीं पर जंगल में आग लग गई है। तो ये जो विभिन्न घटनाएं हो रही हैं पृथ्वी पर, इन सभी की जानकारी हमें रेडियो से प्राप्त होती है, ठीक है। यह श्रव्य सामग्री में रेडियो का आपका महत्व हो गया कि रेडियो का क्या योगदान होता है। उसके बाद ग्रामोफोन का कोई योगदान नहीं है भूगोल शिक्षण में, वह अन्य शिक्षणों में भले ही उपयोगी हो लेकिन भूगोल में उसका योगदान नहीं है। और इसके बाद आता है टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर का भी कुछ खास उपयोग नहीं है भूगोल शिक्षण के अंतर्गत, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि किसी विद्वान की बातों को हम रिकॉर्ड करके अपने कक्षा में, भूगोल शिक्षण की कक्षा चल रही है तो भूगोल की कक्षा के अंतर्गत हम अध्ययन हेतु उसका प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों को सुना सकते हैं कि देखो इस भूगोलवेत्ता ने क्या कहा है, उसकी बातों को ध्यान से सुनो, वह क्या कह रहा है, पृथ्वी के बारे में हमें क्या करना चाहिए, उसका हम प्रयोग टेप रिकॉर्डर का भूगोल में कर सकते हैं, ठीक है। तो यह हो गया टेप रिकॉर्डर। लेकिन मुख्य चीज़ों के परीक्षा में पूछा जाता है हमें उससे मतलब है, तो परीक्षा में आपका अक्सर आएगा कि भूगोल की सहायक सामग्रियों का वर्णन करिए या भूगोल शिक्षण करते समय किन सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है वो स्पष्ट कीजिए, ठीक। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे यह तो क्या श्रव्य, श्रव्य में भी आप दो दो लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद आता है दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री में है आपका श्यामपट। और यह जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ भूगोल शिक्षण के लिए उपयोगी है या हिंदी शिक्षण के लिए उपयोगी है या इतिहास शिक्षण के लिए भी उपयोगी है, ठीक। तो आता है आपका श्यामपट, श्यामपट के बारे में समझेंगे वो थोड़ा सा है कि यह काले रंग का चिकना होना चाहिए जिससे चाक द्वारा लिखे गए अक्षर या शब्द स्पष्ट रूप से छात्रों को दिखाई दें, ठीक। इसके प्रयोग के बिना शिक्षक एक कदम भी नहीं चल सकता है, ठीक है, क्योंकि हम कुछ बताते हैं बच्चों को नहीं समझ रहा, मान लीजिए बोल रहे हैं सात तो बच्चे समझ रहे हैं साठ, ठीक है, लिखेंगे कि छो मंडल की ऊंचाई 60 किलोमीटर है
तो बच्चों को 60 ना सबके 7 किलोमीटर लिख दिए, ठीक, या 7 हम बोल रहे हैं वो 60 लिख दिए, तो ये जो कन्फ्यूजन हो रहा है अगर हम स्यापक का प्रयोग करेंगे तो तुरंत कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि इसके प्रयोग के बिना शिक्षक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे किसी भी विषय की क्लास हो, भूगोल की, इतिहास की हो या गणित की हो। आगे, इसका प्रयोग प्राथमिक कक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक होता रहता है, क्योंकि प्राथमिक कक्षा में सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है आपके इस श्यामपट की, ठीक, और उच्च शिक्षा में भी चले जाते हैं तो वहाँ पर भी प्रयोग होता है श्यामपट का। नियम सूत्र चीज़ें बताने के लिए बिना श्यामपट के, श्यामपट सच कहें तो श्यामपट के बिना शिक्षण कार्य संभव होता ही नहीं है, ठीक है। तो श्यामपट शिक्षक का साथी होता है और श्यामपट के माध्यम से हम उच्च शिक्षा में या माध्यमिक स्तर शिक्षा में बच्चों को यह बता सकते हैं किस तरह से स्पष्ट और सुंदर अक्षरों में लेखन कार्य करना चाहिए, इसलिए भी श्यामपट का महत्व बढ़ जाता है। अब हम जानेंगे कि श्यामपट का प्रयोग हम भूगोल शिक्षण में कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है भूगोल के नियमों, सूत्रों व सिद्धांतों के लेखन में। जो भूगोल के नियम है, भूगोल में जो कुछ सूत्र होते हैं, कहेंगे भूगोल में सूत्र कहाँ होता है, भूगोल में भी सूत्र होता है, ठीक है। जैसे कि एक प्रश्न आया था हमारे नेट के एग्जाम में, इस बार जो नेट हुआ है मैं भी दिया था, और आपके सहयोग से और आप सभी की दुआओं से नेट में क्वालिफाई भी हुआ इस बार। तो इसमें क्या हुआ कि उसमें एक प्रश्न पूछा था कि ओजोन परत की मोटाई, ठीक है, ओजोन परत में जो डावसन इकाई होती है उसमें कितना मिलीमीटर होता है, एक डावसन में कितना मिलीमीटर मोटाई होती है ओजोन परत की। चूँकि ओजोन परत की मोटाई को हम डावसन नापते हैं, तो ओजोन परत की मोटाई जो हम डावसन में मापते हैं उसमें एक डावसन में कितना मिलीमीटर होता है, यह प्रश्न आया था नेट के एग्जाम में। तो यही चीज़ है कि ये सभी जो नियम सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, यह भूगोल सामग्री के लेखन में कार्य आते हैं। आगे है, इनको लिखने हेतु श्यामपट का प्रयोग होता है, ठीक। आगे, रेखाचित्र व नक्शे बनाने में, रेखाचित्र, ठीक है, यानी रेखाओं के माध्यम से उच्च वायु दाब, निम्न वायु दाब नक्शा बनाना है, उसके लिए भी क्या करेगा, यह आपका श्यामपट काम आएगा। आगे है, चार्ट, ग्राफ व सारणी के निर्माण हेतु भी श्यामपट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मुख्य बिंदुओं को लिखने हेतु भी भूगोल शिक्षण भूगोल में हम श्यामपट का प्रयोग करते हैं। मुख्य बिंदु मतलब जैसे कोई परिभाषा हमें लिखनी है, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को हमें समझाना है, कोई कठिन शब्द है उसको हमें लिखना है, ठीक, या कोई स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ है, किस तारीख में हुआ है, ठीक है, रियो डी जेनेरो में हुआ है सम्मेलन, तो किस सन में हुआ है, इन जो मुख्य बिंदु हैं, जो सन हैं, ठीक है, जो मुख्य शब्द हैं उनको हाईलाइट करने के लिए हम श्यामपट पे लिखते हैं, ठीक। आगे है, प्रायोगिक कार्य की जानकारी देने हेतु किस तरह प्रैक्टिकल करना है, उनको क्या क्या करना है, कौन कौन सी आवश्यक सामग्री चाहिए, इनके इनको बताने के लिए भी हम श्यामपट का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यही हो गया भूगोल की सामग्री, सबसे पहला आपका है श्यामपट, बाकी मैंने रेडियो और ग्रामोफोन आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि प्रतिमान क्या है, तो प्रतिमान के बारे में भी आप थोड़ा नोट डाउन करेंगे, इसलिए आप प्रतिमान हेडिंग डाल लीजिए और इसके बारे में मैं भी लिखवाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, अब हम बात करेंगे प्रतिमान की। प्रतिमान को, जैसा कि हमने बताया कि प्रतिमान को मॉडल बोलते हैं, तो मॉडल की बात की जाएगी। अगर मॉडल की बात हम करें तो ये हम वास्तविक वस्तुओं का प्रतिबिंब होता है। जैसे कि हमें हृदय के बारे में पढ़ाना है, ये तो हमारे विज्ञान हम आ गए। अगर हम बात करें कि हमें मान लीजिए पृथ्वी के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, हम क्लास में चैप्टर स्टार्ट किए हैं पृथ्वी, ठीक, या हमारा सौरमंडल है, ठीक, हम सौरमंडल पढ़ा रहे हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है, या फिर हम बता रहे हैं पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी का रंग नीला है। तो अगर हमें यह बताना है, यह दिखाना है, तो बच्चे को हम कैसे बताएंगे, बच्चे को हम पढ़ाएंगे तो वह रटेगा। लेकिन वही अगर हम एक ग्लोब उसको दिखा देंगे, देखो पृथ्वी का रंग नीला है, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 से झुकी हुई है, पृथ्वी गोल है, यह चीज़ें हम समझा देंगे बालक को तो वह जल्दी समझ जाएगा। तो यह क्या होता है, जो मॉडल है वह किसी वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब होता है, प्रतिरूप होता है, उसका छाया होता है, ठीक है।
समझ गए, उसका क्या होता है, छाया होता है, प्रतिबिंब होता है, उसका प्रतिरूप होता है, इसी को हम मॉडल बोलते हैं। जैसे हृदय, मान लीजिए विज्ञान क्लास में हृदय पढ़ाना है तो किसी को काट करके हृदय तो दिखाएंगे नहीं, तो हम हृदय का क्या करेंगे, फोम का बनाएंगे या फिर किसी चीज़ का, लकड़ी गत्ते का, किसी चीज़ का भी हम एक हृदय बना करके उसकी लंबाई चौड़ाई का उसको हम दिखाएंगे। आगे है, यह त्रिआयामी होता है। त्रिआयामी का तात्पर्य यह है कि यह इसमें तीन चीज़ होती है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या ऊंचाई, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए हमें हृदय दिखाना है, हृदय में इतना लंबा बड़ा करके नहीं दिखाएंगे, हृदय जितना बड़ा होता है उतनी ही आकृति का हम, उतनी आकृति का, उतनी ही मोटाई का, उतनी ही चौड़ाई का हम बना करके दिखाएंगे। ठीक है, अब इससे क्या होता है आपके मॉडल से कि हम बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी, जैसे बड़ी से बड़ी किसे, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी को तो दिखा सकते नहीं, ये बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी हम छोटे में और छोटी छोटी चीज़ों को भी हम बड़ा करके दिखा सकते हैं। यह मॉडल की विशेषता होती है। और मॉडल और चित्र, चित्र में क्या होता है, चित्र में सिर्फ हम एक पक्ष देख पाते हैं जबकि मॉडल में हम उसके सारे पक्षों को देखते हैं। जैसे कि हम अगर हम मान लीजिए सूरज का मॉडल बनाते हैं या चाँद का मॉडल बनाते हैं या फिर हम माचिस की डिब्बी का मॉडल बनाते हैं, तो माचिस की डिब्बी का जब हम मॉडल बनाएंगे तो हम चारों चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि यह माचिस की डिब्बी है या यह कटर है, ठीक, ये कटर का हम मॉडल बना रहे हैं तो मान लीजिए कटर का मॉडल ही मान लेते हैं, ठीक, तो हम कटर के मॉडल में इधर का भी दिखा सकते हैं, 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 ऊपर भी दिखा सकते हैं, नीचे भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम कटर का चित्र बनाते हैं तो चित्र में कैसे बनाएंगे, या तो हम सिर्फ ये वाला बना दें, ये जो छोर है, हाँ ये जो छोर है इसको बना दें, या तो यह जो छोर है जिसमें कि यह गोला वाला है, यह वाला बना लें हम फिर ऐसे गोला वाला, ठीक, या तो हम इसको दिखा सकते हैं या तो हम इसको दिखा सकते हैं, हम सारी चीज़ों को नहीं दिखा सकते हैं। जिस तरह चाँद हमें दिखता है तो चाँद में कितना दिखता है, चाँद में इतना दिखता है, लेकिन चाँद के इसके पीछे क्या है वो हम नहीं देख पाते, क्योंकि चाँद क्या है, एक तरफ का दिखता है। चाँद का चित्र बनाएंगे तो एक तरफ का दिखाएंगे, लेकिन अगर वही हम प्रतिरूप दिखाएंगे तो सारी तरह का हम दिखा सकते हैं चारों तरफ से। ठीक, आगे है, जब शिक्षक विभिन्न वस्तुओं को कक्षा प्रदर्शित करने में असमर्थ होता है, सिर्फ शिक्षक पृथ्वी को तो नहीं दिखा सकता, शिक्षक उनको वायुयान से अंतरिक्ष जा करके तो पृथ्वी को नहीं दिखा सकता, तो वह क्या करता है, उन परिस्थितियों में अध्यापक उस वस्तु का प्रतिमा प्रयोग में लाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब आगे आएंगे हम चलचित्र यानी सिनेमा। सिनेमा बारे में आप जानते हैं, ज़रा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भूगोल शिक्षण से सिनेमा कैसे संबंधित है इसको समझेंगे हम। सिनेमा द्वारा भूगोल के नियमों, सिद्धांतों, भूवैज्ञानिकों का जीवन परिचय, भूवैज्ञानिकों द्वारा किए गए आविष्कार, भूवैज्ञानिकों द्वारा किए गए नए नए खोज, ठीक है, के बारे में बताया जा सकता है। ठीक है, हम एक फिल्म के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे, उस फिल्म के माध्यम से बताएंगे कि इन्होंने यह किया था, जगदीश चंद्र बसु थे, इन्होंने पौधों में इस तरह से खोजा कि पौधों में जीवन होता है, सिस्मोग्राफ ला करके बाकी चीज़ें जो भी हैं, इसके द्वारा छात्रों को पटरी, प्रकार, माप, तौल व अन्य उपकरणों के प्रयोग में लाने की विधि आदि को शीघ्रता से बताया सिखाया जा सकता है। इससे क्या होगा, ये चीज़ों को जब बालक देखेगा, मैंने कहा ना जितनी इंद्रियां सक्रिय होंगी उतनी जल्दी बालक अधिगम करेगा, जब चीज़ों को देखेगा, सुनेगा, तो वह और चीज़ों को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, समझेगा और जल्दी से अधिगम करेगा और जल्दी जल्दी लर्न करेगा। ठीक, चूँकि दोनों उसकी दो ज्ञान इंद्रियां सक्रिय, आँख और कान, तो वही कह रहा है कि ये जो माप तौल अन्य उपकरणों को कैसे हम प्रयोग में लाएंगे, ठीक है, उनका प्रयोग किस तरह से किया जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्री कर फिल्म बना देंगे, तो उसके माध्यम से बालक जल्दी जल्दी समझ सकता है किस तरह से हमें कौन सी आकृति बनानी है, उसको भी वह फिल्म के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ सकता है। जिस तरह आप देखेंगे कि कहीं कहीं बनाया, कहीं कहीं कोई चीज़ सिखाया जाता है यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर एक छोटी सी फिल्म बना दी जाती है कि इस तरह आप जाएंगे, इस तरह से खोदेंगे, तो इस तरह से उत्खनन आप करेंगे, ये सब चीज़ें किससे संबंधित हैं, ये भूगोल से संबंधित हैं। आगे है, हम डॉक्यूमेंट्री भी बना करके, जैसे कि मान लीजिए हमें हिमालय के बारे में पढ़ाना है, तो हिमालय का हम अगर एक वीडियोग्राफी बना करके बालक को दिखाएं सिनेमा के माध्यम से, तो भी बालक समझ सकता है कि हाँ हिमालय में ज़्यादा ठंडा होता है, हिमालय पर्वत होते हैं, वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, देवदार के वृक्ष होते हैं, इस तरह के बालक समझ सकता है। आगे है, इसके द्वारा दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं को सिनेमा द्वारा दिखा करके उनके हल हेतु बालकों को जागरूक और प्रोत्साहित किया जा सकता है। हम फिल्म के माध्यम से बालक को बता सकते हैं कि आगे वाले समय में वृक्षों का विनाश कितना भयंकर दूरगामी परिणाम हो सकता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण एक फिल्म आई थी 2.0 करके कुछ था, जिसमें अक्षय कुमार ने पक्षी राज का रोल किया हुआ था,
तो वह एक फिल्म ही थी जिसके बारे में जिसके माध्यम से जागरूक किया जा रहा था कि टावरों का प्रयोग कितना खतरनाक है, मोबाइलों के प्रयोग से जो रेडिएशन उनसे कितना हानि और नुकसान हो रहा है। ठीक, तो यही चीज़ है आपका सिनेमा या चलचित्र। तो आज आप सभी ने भूगोल की जो सामग्री है इसके अंतर्गत श्यामपट्ट, प्रतिमान, चलचित्र और उसके बाद जो सामग्री का बंटवारा किया गया है उसको भी आप सभी ने जाना। ठीक है, अगली क्लास में बाकी सामग्रियों के साथ हम एक पार्ट टू वाली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।